हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक हनीडू का सेकंड लेसन द सुनामी पढ़ने जा रहे हैं। यह 26 दिसंबर 2004 घटना है, जब हिंद महासागर में आई सुनामी में भारत सहित 13 देशों के लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए और 7,40,000 विस्थापित किए गए। इस आपदा से निपटने के लिए $13.6 अरब खर्च किए गए। आखिर सुनामी क्या है? सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्र की लहरें, जो सु प्लस नामी दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है समुद्र का तट और नामी का अर्थ होता है लहरें, यानी कि समुद्र में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी आता कैसे है? समुद्र के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण सुनामी उत्पन्न होता है। इस लेसन में हम 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में उन लोगों की बहादुरी के किस्से पढ़ेंगे जिन्होंने हिम्मत और साहस से अपने आप को बचा पाए थे। ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली लहरें होती हैं जो समुद्र के अंदर आए भूकंप के कारण पैदा होती हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004 इस सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड तमिलनाडु कोस्ट। ऐसी ही सुनामी 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड के कुछ पार्ट्स में और भारत के कुछ हिस्सों अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के समुद्री तट पर आए थे। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं जिन्हों उन लोगों की बहादुरी और अपने आप अपने अस्तित्व को बचाने की कहानी दी गई हैं जिसको मैं खुद को बचा पाए थे। डिड एनिमल्स सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग। क्या जानवरों ने एनिमल्स ने यह अनुमान लगा लिया था कि सुनामी आ रही है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। कुछ कहानियों से यही अनुमान लगाया जाता कि हाँ उन एनिमल्स को पहले इस चीज का आभास हो गया था। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये सारी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं। इग्निशियस वाज ए मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। इग्निशियस कचल के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे जगाया क्योंकि उसने एक अर्थक्वेक के भूकंप अनुभव किया था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। इग्निशियस ने सावधानी पूर्वक अपने टेलीविजन को इसके मेज से उतारा और नीचे जमीन पर रख दिया सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये नीचे गिर के टूट न जाए। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। फिर यह परिवार घर से बाहर की तरफ भागा। वेन द ट्रेमरस स्टॉप, जब यह कंपन यह भूकंप का जो झटका था यह जब थम गया। दे सा द सी राइजिंग, उन्हें समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा। द क्योस एंड कन्फ्यूजन, क्योस और कन्फ्यूजन की स्थिति में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन गॉट होल्ड द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रस्ट टू इन द अपोजिट डायरेक्शन। इस केओस उथल पुथल और दुविधा की स्थिति में उसके दो बच्चों ने अपने नाना और मामा के हाथ पकड़ लिए और वे विपरीत दिशा में दौड़े। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने उन्हें दोबारा कभी भी नहीं देखा। हिज वाइफ ऑल स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी इसमें बह गई थी। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। सिर्फ वही तीन बच्चे जो उसके साथ आए थे, इग्निशियस के साथ आए थे, सिर्फ वही तीन बच्चे बच पाए थे। और दूसरी कहानी संजीव कुमार की है। संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विसिंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव एक पुलिसमैन है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कचल द्वीप पर सेवा दे रहा था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। वे किसी तरीके से खुद को, अपनी पत्नी को और अपने छोटे बच्चे को बचा पाए।
But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. लेकिन जब उसने अपने गेस्ट हाउस के जो जॉन की पत्नी के आवाज़ सुनी जो बचाव के लिए चला रही थी, संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, बट देवर पास वेप्ट। संजीव जॉन की वाइफ को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो दोनों ही बह जाते हैं। 13 years old मेघना स्वेप्ट अवे एलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल्स। 13 साल की मेघना अपने पेरेंट्स और 77 अदर पीपल्स के साथ समुद्र में बह जाती है। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग ऑन द सी होल्डिंग ए वुडन डोर। उसने 2 दिन समुद्र में गुजारे एक लकड़ी के तख्ते पर तैरते हुए। 11 times सीसा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर से उड़ते हुए देखा, बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन वो रिलीफ हेलीकॉप्टर के लोग उसको नीचे नहीं देख पाए। सी वाज ब्रॉट टू द शोर बाई ए वेव, एक समुद्र की लहर के द्वारा उसे किनारे तक पहुंचाया गया। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और एक घबराहट में उसे समुद्र के किनारे तैर घूमता हुआ देखा गया। अलमास जावेद वॉज 10 years old। अब एक और कहानी अलमास जावेद की है जो 10 साल की है। सी वॉज स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, फिर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। वह एक छात्रा है कार्मल कॉन्वेंट स्कूल पोर्ट ब्लेयर की, जहाँ पर उसके पिता का एक पेट्रोल पंप है। हर मदर रोहिलाज होम वाज इन नैनकाउरी आइलैंड, और उसकी माँ रोहिलाज का जो घर है वो नैनकाउरी आइलैंड में है। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उसका परिवार वहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए गया है। वेन द ट्रेमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग, जब सुबह सुबह भूकंप की तरंगें या कंपन पैदा हुई तो उनका परिवार सो रहा था। अलमा फादर श्रादा सी वाटर रिसीट्स, अलमा के फादर ने समुद्र के पानी को पीछे हटते हुए देखा। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, वह समझ गया कि जो पानी पीछे जा रहा है वे बड़ी तगड़ी फोर्स के साथ आगे की तरफ आएगा। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, उसने घर के सभी सदस्यों को जगाया और इस सुरक्षित स्थान की तरफ दौड़े। एज दे रन, जैसे ही वो दौड़े, हिज ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, उसके दादाजी के सर में कोई चोट लग गई और वे नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पिताजी उसके हेल्प करने के लिए दौड़े। देन कम टू द फर्स्ट जेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, तब ये बहुत ही विशाल का है वे लहर पर उत्पन्न हुई और वे दोनों बह गए। अलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अलमा की मदर और उसकी मौसी अभी भी कोकोनट ट्री के पेड़ों से चिपके हुए थे। ए वेव अप्रूटेड द ट्री एंड दे टू वर वास्ट अवे, एक लहर ने उस पेड़ को भी उखाड़ दिया और वे दोनों बह गए। अलमाज साइल लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमा ने एक लकड़ी का लट्ठा बहता हुआ देखा। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो गई। वेन सी वोक अप सी वाज इन, जब वह जगी सी वाज इन हॉस्पिटल इन कैमरोटा, कैमरोटा के हॉस्पिटल में थे। फ्रॉम देयर सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, वह छोटी लड़की इस घटना के बारे में किसी से बात करना नहीं चाहती थी। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि वह अभी भी सदमे में थे। अब इस कहानी के आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हमें यस और नो यानी ट्रू और फॉल्स में देना है।
whether the following are true or false. बताना है नीचे लिखी जो फैक्ट है ये ट्रू है और फॉल्स है. फर्स्ट, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ टू चिल्ड्रन हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी. इग्निशियस ने अपनी पत्नी, दो बच्चों को, अपने ससुर को और अपने साले को इस सुनामी में खो दिया था. सही है, ट्रू. संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी. संजीव इस सुनामी के बाद अपने आप को बचा पाया? नहीं, वो जो गेस्ट हाउस में जॉन था उसकी वाइफ को बचाने के लिए पानी में कूद गया था, उसके बाद वापस नहीं है. इट मीन्स फॉल्स. ये पहली आपका ट्रू है. आगे, मेघना वाज सेव्ड बाई रिलीफ हेलीकॉप्टर. क्या मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया था? नहीं, मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर नहीं बचाया था. वह उसके ऊपर से 2 दिन में 11 बार गुजर गया लेकिन उसको नहीं देख पाए और एक वेव ने उसको समुद्र के किनारे तक पहुंचाया था. अल्मा फादर रियलाइज दैट इज सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आईलैंड. अल्मा के फादर ने अनुभव किया, महसूस किया कि एक सुनामी, समुद्र की लहरें उनके टकराने वाली हैं, उठने वाली हैं. वो ठीक था, उसे अनुभव हो गया, उसे घर के लोगों को जगाया था. यह सत्य है, ट्रू है. एंड लास्ट, हर मदर एंड आंट वर वास्ट अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन. अलमास के जो मदर थी और उसकी मौसी थी, वह लहरों में बह गई थी उस पेड़ के साथ जो उखड़ गया था. बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि एक जेंट वेव ने इन लहरों को, जेंट लहरों ने इस पेड़ को उखाड़ दिया था और उसके मदर और उसकी मौसी उसमें बह गई थी. तो आज की कहानी में इतना ही है. यदि आपको यह पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.